स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हम प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स के अंदर लेक्चर नंबर सेकेंड। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जहाँ से छोड़ा था, लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। अब आगे जो हम आज का टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सिर्फ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को ही हम स्टडी करेंगे। मैंने जो यहाँ पर ये मशीन का डायग्राम बनाया है, मैंने सिर्फ ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग मशीन का डायग्राम बनाया है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कैप्सूल की जिलेटिन शेल्स है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की बात कर रही हूँ मैं, जिलेटिन शेल्स ऑफ शेल ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, उसकी सबसे पहले कंपोजिशन कि किस चीज की वो बनी होती है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द जिलेटिन शेल ऑफ द कंपोजिशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द जिलेटिन शेल ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो जिलेटिन शेल जिसके अंदर हम मटेरियल को फिल करते हैं, वो जो जिलेटिन शेल है वो एक्चुअली किसकी बनी होती है। जिलेटिन शेल इट इज द फर्स्ट मेड अप ऑफ द जिलेटिन, एक तो उसके अंदर होती है जिलेटिन। जिलेटिन हमें किससे मिलती है मेनली, इट मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोन्स, या तो वो मिलती है बोन से या हमें मिलती है पॉर्क और बीफ की स्किन से। पॉर्क या बीफ की जो स्किन है उससे जिलेटिन मिलती है या बोन से हमें जिलेटिन मिलती है। सेकंड, उसके अंदर क्या होते हैं ओपेसिफायर्स, ओपेसिफायर्स जो उसको कलर से पहले जो बेस दिया जाता है, ओपेसिफायर्स जो उसकी ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने के लिए यूज होते हैं, दैट इज आर टाइटेनियम ऑक्साइड। थर्ड जो उसके अंदर होते हैं जिलेटिन शेल्स के अंदर, दैट इज द कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स उसके अंदर सारे वही होंगे जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफाइड होंगे, उसके अंदर वही कलरिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। एक इसके अंदर होते हैं प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स का क्या काम होता है, जो प्लास्टिसाइजर्स है इसके अंदर मेनली ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल, ये इसके अंदर मेनली हम जिलेटिन शेल्स के अंदर एज अ प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। इनको यूज करने का पर्पस क्या होता है, इनको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारी जो जिलेटिन शेल है, सॉफ्ट हार्ड जिलेटिन शेल, उसकी थिकनेस को हम डिसाइड कर सकें, उसकी थिकनेस को मेंटेन करने में प्लास्टिसाइजर्स का मेन रोल है। फिफ्थ है जो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, जो हमारी जो जिलेटिन शेल है वो सॉफ्ट होती है तो मॉइस्चर कंटेंट इनके अंदर 9-12%, किसी किसी में आपको 10-13% भी मिलेगा किसी किसी बुक में, तो मॉइस्चर कंटेंट। सिक्स्थ वन इज द प्रिजर्वेटिव्स, और ये इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे क्योंकि आखिर हमारे जो प्रिजर्वेटिव्स में हम मेनली इसके अंदर बेंजोइक एसिड प्रिजर्वेटिव इसके अंदर यूज करते हैं। तो ये हमारे उन जिलेटिन शेल जो कि हमारी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए यूज होती है। आखिर कैप्सूल्स को बनाने से पहले उसका स्केलेटन तो बनाना पड़ेगा ना, उसकी कि किसके अंदर आप मेडिसिन फिल करोगे, वो जिलेटिन शेल भी तो बनानी पड़ेगी। वो जिलेटिन शेल बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, उसकी क्या क्या कंपोजिशन चाहिए, ये कंपोजिशन मैंने आपको यहाँ बताई है। सबसे पहले तो जिलेटिन जो हमें बोन, पोर या बीफ स्किन से मिलती है, और पैसिफायर टाइटेनियम ऑक्साइड है जो उसकी ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने में हेल्प करता है। ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने का क्या मतलब है कि जो आपने आखिर उसको कलर देना है, तो आपने जैसे सुना भी होगा एक ओपेसिफाइंग एजेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट एजेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट जिनके हम आर पार देख सकते हैं और ओपेसिफायर जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, तो वो होते हैं ओपेसिफायर्स। कलरिंग एजेंट हम वही यूज करेंगे जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफाइड होंगे। प्लास्टिसाइजर्स का मेन रोल क्या होता है कि जो जिलेटिन शेल है, जिलेटिन शेल की थिकनेस को डिसाइड करने में प्लास्टिसाइजर का मेन रोल है। मॉइस्चर कंटेंट होना भी जरूरी है और ये है प्रिजर्वेटिव। अब सवाल ये आता है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है जिलेटिन शेल्स को बनाने
सेल्स को बनाने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि जैसे जिलेटिन शेल है, जिसे लिक्विफाइड फॉर्म में हमारे पास, जैसे सपोज है कि ये कंटेनर है, रफली मैं आपको समझा रही हूँ कि ये कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास ये जिलेटिन शेल है, मोल्टन जिलेटिन शेल, मोल्टन मटेरियल में पिघली हुई अवस्था में ये हमारे पास जिलेटिन मटेरियल है, जिसके अंदर हमने जिलेटिन मटेरियल के अंदर जो भी डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट है, चाहे वो कलरिंग एजेंट है, चाहे वो प्लास्टिसाइजर है, मॉइस्चर हमें कितना लेना है, प्रिजर्वेटिव है और पेस्टिफायर है, वो हमने सब उसके अंदर मिक्सअप किया हुआ है। उसके बाद यहाँ हमारे पास एक प्लेट है, दिस वन इज अ प्लेट। इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर इस तरह से कुछ पिंस, ये पिंस लगी हुई है, दीज आर द पिंस, एक स्पेसिफाइड साइज की पिंस है, दीज आर द पिंस। इन पिंस को क्या करते हैं हम इस जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर इन पिंस को हम डिप कर देंगे। डिप करेंगे साथ में जो ये पिंस हैं ये हमारी रोटेटरी मूवमेंट भी शो करेंगी, रोटेटरी मूवमेंट शो करेंगी, ताकि इसके साथ साथ ये धीरे धीरे ड्राई भी होती जाए। और ये पिंस को जब जिलेटिन शेल के अंदर हमने डिप कर दिया, डिप करने के बाद हम इनको ड्रायर की प्रेजेंस में इनको हम हल्की हल्की रोटेटरी मूवमेंट पे जो है इनकी एक फिक्स आरपीएम पे होगी, बहुत फास्ट रोटेटरी मूवमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि अगर जिलेटिन जब तक ड्राई नहीं होगी तो उसकी वजह से उसकी जो है शेप या थिकनेस इफेक्ट हो सकती है। उसकी हल्की रोटेटरी मूवमेंट से हम क्या करेंगे, ड्रायर से उसको रोटेट करेंगे, और फिर उन पिंस से हम क्या करेंगे, जैसे ये पिन है, इस पिन के चारों तरफ ये आपकी ये जिलेटिन शेल थी, ये जो जिलेटिन शेल है, ये जिलेटिन शेल आपकी इस पिन के चारों तरफ बन गई है, ठीक है। तो इस जिलेटिन शेल को हम वहां से मतलब कि केयरफुली स्क्रैच अप कर लेंगे। ये मतलब एक बड़ी टेक्निकल डेवलपमेंट, ऐसे नहीं कि हाथ से एक एक जिलेटिन शेल को हम स्क्रैच अप करेंगे, आखिर इंडस्ट्री लेवल पे काम हो रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लेवल पे काम हो रहा है, तो उनको टेक्निकली ढंग से उसको स्क्रैच अप किया जाता है, उनको ट्रिम किया जाता है प्रॉपर, ताकि जिलेटिन शेल्स के अंदर बॉडी और कैप का प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो ये था हमारा कि हमने जिलेटिन शेल बनाई कैसे है। अब हमारा सवाल ये आता है कि जो हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, जिलेटिन शेल्स तो बना ली, अब जिलेटिन शेल्स को बनाने के लिए हमारे पास इसमें इसको फिलिंग कैसे करते हैं, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग करते कैसे। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग करने के लिए मैंने ये जो जनरली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की जो फिलिंग है वो तीन तरीके से की जाती है। फिलिंग ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स ये तीन तरीके से की जाती है। वन इज द मैनुअल, मैनुअली करते हैं जिसमें। सेकेंड वन इज द ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक जो मशीनरी है उसको ऑटोमेटिक, और एक फिलिंग और भी होती है, दैट इज द एक्सटेम्पोरेनियस, एक्सटेम्पोरेनियस फिलिंग। एक्चुअली ये एक्सटेम्पोरेनियस और मैनुअल फिलिंग क्या है तो दोनों ये मैनुअली, एक्सटेम्पोरेनियस के अंदर थोड़ी सी रफली फिलिंग की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सारा मटेरियल है एक ट्रे के अंदर सेपरेट कर लिया जाता है, उसको उतनी हाइट तक मेंटेन करके जितनी आपने बॉडी के अंदर उसको फिल करना है। जैसे क्या किया, इस ट्रे के अंदर, उस ट्रे के अंदर आपने उसको फिल किया एक्सटेम्पोरेनियस फिलिंग के अंदर, ये आपने सारा जो पाउडर पैड है उस पाउडर पैड को आपने उसके अंदर सेट किया, और जो आपकी जो बॉडी है बॉडी को आपने इसे उल्टा करके डंप करके इसको फिल किया। फिल करने के बाद आपने उसको कैप से उसको बंद करके आपने उसको वे किया कि आपका जो कैप्सूल है वो प्रॉपर वेट साइज का है या नहीं। इसको तो हम बोलते हैं एक्सटेम्पोरेनियस फिलिंग, या इसको हम बोलते हैं मैनुअल फिलिंग। मतलब कि कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि हाथ से एक एक कैप्सूल को फिल करना। अब एक शेल के अंदर ये तो बड़ा मुश्किल है ना कि उसके अंदर मैं ऐसे सीधा पकड़ के उसके अंदर से पाउडर को फिल करूं, तो इसमें वही करते हैं कि एक हीप बना के बॉडी को उल्टा कर देते हैं। बॉडी को उल्टा करने के बाद हम उसके ऊपर कैप लगा देंगे। कैप लगाने के बाद उसको कपड़े से साफ करके पॉलिश करके उसका कैप्सूल का वे किया जाता है कि जितनी डिजायरेबल हमारी क्वांटिटी है क्या उतनी डिजायरेबल क्वांटिटी का वो हमारा कैप्सूल बना या नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस
मेथड से आप कितने कैप्सूल बना पाएंगे, 100, 200, 300 मैक्सिमम कैप्सूल्स, क्योंकि मैनुअल फिलिंग है तो कहीं ना कहीं इसमें एरर के चांसेस भी होंगे, एक एक कैप्सूल को वे करना, दूसरा उसमें मतलब अनयूनिफॉर्मिटी के चांसेस भी कितने ज़्यादा होंगे, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो आपके जो कैप्सूल्स हैं वो हर एंगल से एग्जैक्ट होंगे, या आपके जो कैप्सूल्स हैं जब हम उनकी वैल्यूएशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वेट वेरिएशन के अंदर, कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन रेट के अंदर, कहीं ना कहीं वो कैप्सूल्स आपके टेस्ट पास करने मुश्किल हो जाएंगे। और दूसरा इसकी मतलब मैन लेबर ज़्यादा है लेकिन उसका रिजल्ट कम है। तीसरा जो सेकेंड जो मैथड है दैट इज द मैनुअल मैथड। मैनुअल जो मैथड है उसके अंदर ये कैप्सूल फिलिंग मशीन यूज की जाती है। कैप्सूल फिलिंग मशीन में क्या होता है, एक्चुअली ये जो मैंने मशीन का एक रफ डायग्राम बनाया है, इस टाइप की जो मशीन है आपको लेबोरेटरी पर्पज में ही देखने को मिलेगी। ये मशीन से आपको कोई बड़े इंडस्ट्रीज में इस टाइप की मशीन नहीं यूज होती, वहाँ पे तो ऑटोमेटिक मशीन यूज होती है। ये जो मशीन है इस मशीन में तो आप 1 आवर के अंदर 100 to 300 कैप्सूल्स 1 आवर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 आवर पर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स के अंदर आप कम से कम 1,50,000 कैप्सूल्स पर आवर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पता ही है कि जहां हमारी इतनी आबादी है, इतनी जनता है, इतनी रिक्वायरमेंट है, तो ये मैनुअल मशीन से या एक सिंपल कैप्सूल फिलिंग मशीन से तो हम रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं सकते। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर ऑटोमेटिक मशीनरीज होती हैं जिसमें ऑटोमेटिक कैप्सूल्स की सीलिंग, पॉलिशिंग सब कुछ होता है। अब ये जो कैप्सूल फिलिंग मशीन जो लेबोरेटरी स्केल पे सिखाई जाती है उसके अंदर क्या क्या पोर्शन है देखते हैं। सबसे पहले उसके अंदर है ये बेड। बेड के अंदर क्या है, बेड के यहाँ पे देखो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये होल्स बनाए हुए हैं, एक तरह से कैविटीज है। ये इसके ऊपर एक प्लेट रखी होती है, ठीक है, पहले नीचे कैविटी है, बेड है, बेड के ऊपर जैसे सपोज मैंने ये बेड लिया, मतलब कि इसके अंदर यहाँ पे इसमें कैविटीज बनी हुई है। इन कैविटीज के इक्वल ये जो कैविटीज हैं इसके अंदर, ये कैविटीज इसकी 24 से 100 तक भी वेरी कर सकती है, मतलब एक टाइम में आप 24 कैप्सूल्स भी बना सकते हो और 100 कैप्सूल्स भी बना सकते हो, वो डिपेंड करता है इसकी कितनी कैपेसिटी है। एक इसमें होता है आपका बेड, बेड के ऊपर रखी जाती है इसमें लोडिंग ट्रे। लोडिंग ट्रे, लोडिंग ट्रे क्या होती है, लोडिंग ट्रे के अंदर हम क्या करते हैं, सेम जितनी बेड के अंदर होल्स होंगे उतने ही होल्स आपके लोडिंग ट्रे के ऊपर होंगे और उतनी ही पिंस आपके पिन प्लेट्स के ऊपर होंगे, अंडरस्टैंड। तो लोडिंग ट्रे के अंदर भी आपके उतने होल्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, लोडिंग ट्रे के अंदर हम अपने पूरे के पूरे जो बंद कैप्सूल्स हैं बॉडी को नीचे की तरफ और कैप को ऊपर करके लोड कर देंगे, उसके अंदर फिल कर देंगे और उस लोडिंग ट्रे को हमने अपने बेड के ऊपर फिट करना है। ये मैंने अपनी लोडिंग ट्रे को बेड के ऊपर यहाँ इस तरह से फिट कर दिया। फिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कैम हैंडल से लॉक करेंगे। कैम हैंडल से लॉक करने से क्या होगा कि जो नीचे बॉडी का पोर्शन है, बॉडी का पोर्शन कैम हैंडल से लॉक हो जाएगा, बॉडी लॉक हो जाएगी। और जब लोडिंग ट्रे को हम ऊपर उठाएंगे, लोडिंग ट्रे को जब हम लीवर से ऊपर उठाएंगे, लीवर जो है लोडिंग ट्रे को ऊपर उठाने का काम करेगी और उससे कैप्स सेपरेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे इसके अंदर हम एक एक कैप्सूल को खोल खोल के अलग अलग बॉडी को अंदर डालेंगे, कैप को अलग करेंगे, बॉडी को अंदर डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा, कैप्स आपकी एज इट इज, ये जैसे जो लोडिंग ट्रे थी, लोडिंग ट्रे के अंदर आपकी ये कैप्स इसमें इस तरह से अलग से सेपरेट होकर बाहर आ जाएंगे। आप इस लोडिंग ट्रे को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था या जो हमारा सारा मटेरियल था, उस मटेरियल को हम इसके अंदर स्प्रेड करेंगे, उस मटेरियल को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उस मटेरियल को प्रॉपर हम स्प्रेड करेंगे किसी भी एक स्मूथ चीज से, ताकि सारी जो बॉडीज हैं वो इक्वली फिल हो जाएं और उसका सारा जो सरफेस है उसको स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के बाद हम दोबारा से उसके ऊपर लोडिंग ट्रे को रखेंगे और लोडिंग ट्रे को रखने के बाद वी विल प्रेस इट विद द प्लेट विद द रबर टो। इसको प्रेस करने का पर्पस ये है, नहीं उसको सबसे पहले हम पिन प्लेट से प्रेस करेंगे। पिन प्लेट से प्रेस करने का पर्पस है कि अगर पाउडर हमारे और ज्यादा नीचे जाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे पाउडर है उसके अंदर एयर एंट्रैपमेंट भी हो सकती है। जैसे कई बार देखो आप किसी कंटेनर में पाउडर डालते हो, उसको टैप करते हो तो थोड़ा सा
इसी तरह से पिन प्लेट से हम उसे प्रेस करेंगे कि अगर पाउडर डालने की कैपेसिटी और है बॉडी में तो उसको डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेट में जो रबर टॉप है उसके साथ हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फिर से हम इसको क्या करेंगे, लीवर से हम अपनी लोडिंग ट्रे को ऊपर उठाएंगे और वो हमारे फील्ड के और कैम हैंडल को अनलॉक करेंगे। इससे हमारे फील्ड के फील्ड कैप्सूल जो है 1 आवर के अंदर, मैक्सिमम 1 आवर के अंदर 100 तक के कैप्सूल्स आप इससे तैयार कर सकते हो। अगर कोई प्रैक्टिस्ड पर्सन है, प्रैक्टिस्ड पर्सन के लिए ये प्रोसेस थोड़ी और इजी हो जाएगी। 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इस पर्पस से इससे कम से कम 300 कैप्सूल्स पर और हम बना सकते हैं। इस प्रोसेस को मेरे ख्याल से एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो एक्सट्रेक्टोरेनियस फिलिंग है वो तो जस्ट एक मैनुअल फिलिंग है जिसमें एक एक कैप्सूल को सिंपली फिल किया जाता है, एक एक कैप्सूल को हीप के ऊपर फिल किया जाता है। फिल करने के बाद उसकी कैपिंग की जाती है, उसको क्लोथ से, मसलिन क्लोथ से साफ करके उस कैप्सूल को वे किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस बड़ी ही हार्ड वर्किंग है, बड़ी ही लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसके अंदर एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी प्रोसेस है मैनुअल प्रोसेस है। मैनुअल प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, बेड के ऊपर जो हमने लोडिंग ट्रे है, लोडिंग ट्रे में हम हमने अपने सारे जो खाली कैप्सूल शेल्स हैं जिलेटिन की वो फिट की हुई है। वो जितनी ही बेड के अंदर होल्स हैं उतने ही लोडिंग ट्रे के अंदर होल्स होंगे और उतने ही पिन जो है पिन प्लेट्स के अंदर होंगे। फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप में आप रखेंगे लोडिंग ट्रे। लोडिंग ट्रे रखने के बाद आप क्या करेंगे, कैम हैंडल लॉक करेंगे और लीवर को ऊपर उठाएंगे। लीवर को जब आप ऑपरेट करेंगे तो उससे आपकी बॉडी लॉक हो जाएगी नीचे और कैप्स आपके सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद आप यहाँ से लोडिंग ट्रे को उठा के एक तरफ साइड पे रखेंगे। उसके बाद जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट को आप फिल करेंगे अपनी बॉडी कैप्सूल की बॉडीज के अंदर और पिन प्लेट से उसको प्रेस करेंगे। प्रेस इसलिए करेंगे ताकि अगर उसके अंदर और ज़्यादा कैपेसिटी है पाउडर को फिल करने की तो हम उसको फिल कर सकें। देन उसके बाद दोबारा से हम फिर सेम प्रोसेस, कैप्सूल फिलिंग की प्रोसेस को रिपीट करेंगे और उसको एक स्मूथ अपीयरेंस देंगे। उसके बाद हमने फिर से इसके अंदर अपनी लोडिंग ट्रे को रखना है। लोडिंग ट्रे को रखने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने प्लेट में जो रबर टॉप है, ठीक है, लोडिंग ट्रे के बाद जो प्लेट है उससे हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, कैम हैंडल को अनलॉक करेंगे। क्योंकि कैम हैंडल का काम क्या था, उसमें बॉडीज को लॉक करना। अगर बॉडीज लॉक रहेंगी तो जब आप उसको बाहर निकालोगे तो कैप्सूल्स आपके टूट जाएंगे प्रेशर की वजह से। तो कैम हैंडल को अनलॉक करेंगे और लीवर को ऑपरेट करके हम लोडिंग ट्रे को ऊपर ले आएंगे और इससे क्या होगा कि हमारी लोडिंग ट्रे के अंदर पूरे के पूरे जो कैप्सूल्स हैं हमें तैयार मिलेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज द पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के लिए क्या होता है कि पॉलिशिंग के लिए या तो जो टैबलेट का जो एक पॉलिशिंग पैन था उसको भी हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर जो कैनवस वाला पैन था जिसमें मेनली ग्लोसी अपीयरेंस देने के लिए हमने कार्नोबा या बीजवैक्स को यूज किया था, या सिंपल आप मैनुअली उसको मसलिन क्लोथ से भी एक एक कैप्सूल को हम इजिली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन एक एक कैप्सूल को क्लीन करना थोड़ा सा लेबोरियस प्रोसेस होता है। उसके बाद की प्रोसेस होती है सीलिंग। सीलिंग में हमने क्या करना होता है, जब हमने कैप्सूल की बॉडी और कैप तो बॉडी में बॉडी में जब हमने ड्रग फिल करने के बाद हमने उसको कैप चढ़ाने के बाद हमने अपने कैप्सूल को लॉक करना है। आप कभी भी ध्यान से देखिए, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कोई ना कोई घर में जरूर पड़ा होगा, कोई भी एक्सपायर्ड भी पड़ा होगा, आप उसको खोल के देखिए, जो उसकी बॉडी और कैप है उसके वहाँ पे छोटी सी सीलिंग, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी सीलिंग होती है ताकि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई लीकेज के चांसेस ना हो। तो ये थी हमारी पूरी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को प्रिपेयर करने की प्रोसेस। उसके बाद हम इसमें वही सारे इवेल्युएशन टेस्ट करेंगे कि वेट वेरिएशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट या कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, और सेम हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन हम वो करेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को पढ़ने के बाद अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर तक हमारा ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का टॉपिक